मैम दोनों बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ मैं, और इनका कल पेपर है, अच्छे से तैयारी करा देना, पिछले 2 साल से फेल हो रहे हैं। ओके सर। बेटे इस बार अच्छे से पढ़ लेना इस बार, ठीक है? कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बाय। ठीक है, आ गए। कल कौन सा पेपर है? हिंदी का। हिंदी का। और फीस लेकर आया? मेरे पापा को बोला था पिछले 1 हफ्ते से, बोल रही हूँ कि फीस दे दो, फीस दे दो। मैम 2 साल से फेल हो रही है, जब पास हो जाएंगे तब 2 साल की एक साथ फीस दे देंगे। यस मैम। मिल गई फिर तो फीस। पढ़ लो, किताब निकालो। कल जो क्वेश्चन समझाए थे और बोला था अच्छे से याद करके आना, वो याद करे तुम लोगों ने या नहीं याद करे? अच्छा ठहरे, तुम बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? मैम पानीपत की लड़ाई तो नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन मेरे को एक चीज पता है मैम, कल ना मेरे और भाई में बीच में पानीपुरी के लिए लड़ाई हुई थी। तो मैम अब कल की डेट मान लो। बस कर, बस कर। अच्छा चलो एक सवाल और बताओ मेरे को, ये लाफिंग गैस क्या होती है, कभी सुना उसके बारे में? मैम मेरे को तो नहीं पता लाफिंग गैस के बारे में। हाँ हाँ तुमसे पूछ भी नहीं रही थी, तुम बताओ। मैम आपको तो पता ही होगा मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, मैंने सुना तो नहीं है लाफिंग गैस के बारे में, लेकिन फिर भी मेरे को पता है। मैम जब कोई इंसान पान मारता है तो फटने लग जाता है। मैम यही भगवान से घर से आते हो। अच्छा ये बताओ स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? मैम स्वर तो मुंह से निकलते हैं और मैम व्यंजन तो मुंह में जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं। मैम पता चल गया, इस बार पास हो गया तो अब मैं भी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ना तुम पास होगे और ना मेरी मुझे फीस मिलेगी, जाओ। अच्छा ये बताओ सच और वहम में क्या अंतर है? मैम आप हमें पढ़ा रहे हो ये सच है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम पास होंगे तो ये आपका वहम है। बहुत हो गया, आप बस निकल जाओ मेरी क्लास से और कल फीस लेकर आना, तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगी। बोल देना अपने पिताजी को, ठीक है? एक मिनट मैम, मैम फीस तो हम आपकी पक्का कर लेंगे, लेकिन आपको बस 3 सवालों का हमारे गलत जवाब देना है। फीस ले आओगे मेरी पक्का? ठीक है हाँ हाँ पूछो मुझसे 3 गलत जवाब देने। हाँ ठीक है मैं देती हूँ, बताओ। फंस गई मैडम। तो पहला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। मैम आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्रिकेट में आठ खिलाड़ी होते हैं। मैडम कितने सवाल हो चुके हैं? सवाल तो 2 ही हुए, आखिरी रह गया। मैडम आप तो गलत जवाब देना था। अरे मैं कहाँ फंस गई, ये तो अपने पिताजी की तरह बहुत शातिर निकले, पूरे 2 साल की फीस माफ करवा ली। No, 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 no.